जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें प्याज बढ़िया बिल्कुल रेडी। प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया था, तो इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी रहने दूंगी। आप डालेंगे ना, ये तो होममेड है ना, और ये बहुत जल्दी गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ प्याज बढ़िया। हमारी ज़बान में से बढ़िया कहते हैं, वैसे पंजाबी में से बढ़िया कहते हैं। और आलू बढ़िया भी बनाई थी मैंने, मैं आज बना रही हूँ प्याज बढ़िया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन करें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, ताकि मुझे ताकि आपको नई वीडियोस देखने का मौका मिले। ओके, फिर बनाते हैं प्याज बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं प्याज बढ़िया, और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, उम्मीद है पसंद आएगी। ये मैंने ली है 1 कप बढ़िया, ये मेरी घर की बनी हुई है, मैंने खुद बनाई थी, स्टीम देकर मैंने इनको खुश कर लिया था। 1 कप बढ़िया दाल की, मूंग दाल की बढ़िया है ये, ग्रेवी में जाएगी। इसमें 1 छोटी प्याज, 2 टमाटर, मसाले इसमें ग्रेवी में जाएंगे, नमक हसबे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और जो हम इसमें ये प्याज का मसाला जो बनाएंगे उसमें मैंने ली 2 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप कर ली, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप्ड, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप, 1 गड्ढी सब्ज़ धनिया चॉप। ये सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन है, ये ऑप्शनल है, इसमें रेसिपी में नहीं है, लेकिन मेरे पास था थोड़ा सा, तो मैं इसको डाल दूँगी साथ। जब ये प्याज डालेंगे इसके साथ हम डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, और ऑयल जाएगा तकरीबन 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं बढ़िया प्याज बढ़िया। ऑयल सरसों का इसमें मैंने डाल दी राई, और ये प्याज, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना मुझे, बस हल्का गुलाबी। प्याज का कलर जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो गया। इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये अदरक लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर और इसके साथ सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सब्ज़ वो सॉरी टमाटर और अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें थोड़ा पानी है, इसलिए मैं मसाले डाल दूँ ताकि मसालों का फ्लेवर आ जाए। इसको मैं भून लूँगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी बढ़िया और दही। दही मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई, 1 कप छोटा डालेंगे हम दही का ना। इसमें
ये माशाल्लाह मसाला जो है वो अच्छा सा भुन गया। इसमें डाल दूंगी मैं बढ़िया। अच्छा, जो अगर आपने बाज़ार की बढ़िया आप डालेंगे ना, ये तो होममेड है ना, और ये बहुत जल्दी गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, बल्कि थोड़ी टूटी फूटी सी जो होती है ना, जैसे कीमा बनता है ऐसे बन जाएंगी ये माशाल्लाह से। तो अगर आप बाज़ार की यूज़ करेंगे, फिर आप इसमें थोड़ा सा, आप इसको थोड़ी देर भिगो दें बड़ियों को ना पानी में, सोख करके रख दें, फिर डालें। इसलिए हम इसमें डाल दूँगी पानी। पहले दही, दही एक छोटा कप, इसी में और पानी डाल के इसको हम थोड़ी देर, जब तक बढ़िया जो है वो सॉफ्ट हो जाए, हम इसको पका लेंगे। ये बढ़िया हमारी, देखें कितनी फूल गई हैं, घर की है ना, होममेड, इसलिए अब इसको भून लिया मैंने। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये प्याज का जो सारा मसाला था, और ये सब्ज़ प्याज भी, सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन। बस इसमें और मज़ीद कुछ नहीं डालना मैंने। इसको हम थोड़ी देर कर देंगे कवर, और बस ये रेडी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें प्याज बढ़िया बिल्कुल रेडी। प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया था, तो इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी रहने दूंगी, और बस अब इसे हम सर्व कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बढ़िया प्याज बढ़िया रेडी, सबर धनिया, सबर मिर्चें, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और मेरा फेसबुक भी ज्वाइन कर लीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।